किस किस को लगता है पढ़ने बैठता हूँ लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता, पढ़ने बैठता हूँ याद करता हूँ थोड़ी देर में भूल जाता हूँ, तो क्या करें? सो इन दैट केस ये सेशन आपको ध्यान से देखना है जो आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि अगर आप लोगों को ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा देर तक याद रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। चलो, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले है फिनमिन टेक्निक टू मेमोराइज। हालांकि ये पहले भी डिस्कस किए, नमने नंबर वन टेक्निक है ये। फिनमिन टेक्निक बेसिकली ग्रेट फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फिनमिन, उन्होंने दी थी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने क्या किया था फिनमिन टेक्निक पे, जरा देखो। वो कहते थे सबसे पहले कोई टॉपिक चूज कर लो, कोई भी कर लिया, और उस टॉपिक को ना आप किसी को भी घर पे अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ाओ, उसको समझ में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, उसको बिठा लो और उसको पढ़ाओ। और मैं अपने टाइम में क्या करता था कि किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता था, इनफैक्ट मैं क्या करता था कि सामने पिलो पड़ा है, पिलो को ही रख लिया, हाँ भाई पढ़, उसको तो पीछे से चांटा भी मारोगे तब भी चलेगा, उसको कौन सा लगनी है। तो हाँ, पिलो वो नहीं होता सिराना, उसको रख लिया, हाँ देखो ऐसे ऐसे होता है, मैं करता था, मैं बहुत करता था। तो ये कहते हैं कि पहले कोई एक टॉपिक चूज करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है। अब क्या कहता है, अब जब आप उसको पढ़ा रहे थे तो आप कहां कहां अटके वो देखो। भाई कोई चीज पढ़ा रहे होते हो तो आप देखो कि आप अटके कहां। अब खुद को तो समझ में आ जाता है, इंसान खुद से तो नहीं झूठ बोल सकता, समझ में आ गया, तो खुद को समझ में आ जाएगा कि आपने मिस्टेक्स कहां करी। उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन मिस्टेक्स को फिर से रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते टाइम कहां पे अटके, आइडेंटिफाई करने के बाद क्यों अटके, कारण क्या था, क्या तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं थी तो टॉपिक को खोल के देखो, कॉपी को खोल के देखो जाके, या फिर जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने कैसे पढ़ाया था उसको चेक करो। रिव्यू करने के बाद फिर से उस टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ाओ या सिराने को पढ़ाओ, समझ में आ गया। जिस वक्त आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं यार अब तो मैंने जो पढ़ाया बेसिकली वो प्रॉपरली उसे भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो समझ लेना वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिनमिन टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप किसी बच्चे को लेकर सिराने को लेकर काम कर सकते हो।